ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है, हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। हेलो दोस्तों, आप सभी को जिसका बेसब्री से इंतजार था वो पल आ गया है। हम जल्द ही लेकर आने वाले हैं ब्रह्म राक्षस की नई सीरीज इस शुक्रवार शाम 7 बजे। हमारे नए सब्सक्राइबर ने अभी तक ये स्टोरी नहीं देखी तो कृपया इसका पहला भाग देखना मत भूलना, और हमारे साथ जुड़ने के लिए स्कल टेल्स को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। कौटिल्य और सर्वरी दोनों कुटिया में बैठकर रो रहे हैं। बगल में अस्थि कलश दिखाई दे रहा है। कौटिल्य ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, बाबा ने हमें बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया। सर्वरी ने रोते हुए कहा, सिर्फ हम दोनों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे मानव जाति की रक्षा के लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया है। कौटिल्य उठते हुए खिड़की से बाहर चांदनी रात में दूर तक नजर डालते हुए बोला, गुरुजी का ये बलिदान, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अब मुझे ही सब कुछ खत्म करना होगा। मुझे यकीन है कि कालासुरा जरूर कुछ हलचल कर रहा होगा। सर्वरी ने कौटिल्य के पास जाते हुए कहा, आप अपने आप को इस तरह दोष मत दीजिए। आप अकेले नहीं हो, मैं आपके साथ हूँ। पर सबसे पहले गुरुजी के अस्थियों को विसर्जित करना होगा। मूर्ख इंसानों, तुमने रक्त बीजा को मारकर बहुत बड़ी गलती की है। इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। नरभक्षी! लवकर कर, काय करतेस तू? तुम्हें पता है ना, आज तक 45 सालों में मैंने कभी भी पूजा के लिए देरी नहीं की। अगर लवकर कर ग, तुला सगळ माहिती असूनही तू उशीरच का करतेस? हो माहिती है। अब मेरे भी तो दो ही हाथ है, कैसे करूँ सब एक साथ? आपका क्या है, आप तो चले जाओगे अपना ग्रंथ और पूजा का सामान लेकर दिन भर के लिए, जैसे सिर्फ आपको अकेले ही सारा दुनिया का काम दिया है। पता नहीं क्या करते हैं वहां जाके। क्या करते हैं का मतलब? अरे, इस गांव के मंदिर का पुजारी हूं मैं। लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए मेरे पास आते हैं, और तुम कहती हो कि मैं क्या करता हूं? 10 साल की उम्र से सारे ग्रंथों को पढ़ाई करना मैंने शुरू किया। आश्रम में जाके विभिन्न प्रकार के विद्या प्राप्त की, एक गुणवान पंडित का मुकाम हासिल किया, और तुम कहती हो कि मैं क्या करता हूं? गांव के बगल में बने एक छोटे से पहाड़ के ऊपर दूर से मंदिर दिखाई देता है। मंदिर की एक घंटा जोर से बजती है। ओम सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और गंगाधर के पैर छूता है। खुश रहो बेटा, जीवन में तरक्की करो। सरपंच हाथ जोड़कर खड़ा होता है और गंगाधर से कहता है, पुजारी जी, भगवान की और आपकी कृपा से हमारे जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है, बस ऐसी ही कृपा बनाए रखिए महाराज। गंगाधर ने हल्की हल्की मुस्कान के साथ कहा, ऐसी ही कृपा बने रहेगी बेटा। सदानंद अपने जेब से 2000 रुपए की नोट निकालकर गंगाधर को देता है। तभी गंगाधर मना करते हुए कहता है, नहीं भाई, नहीं सदानंद जी, ये क्या कर रहे हैं? क्या मुझे आप नरक में भेजना चाहते हैं? मुझे इस पैसों का क्या करना है? जाइए, जाकर इन्हें दान पेटी में डाल दीजिए। इन पर सिर्फ और सिर्फ भगवान का ही हक है। सदानंद हंसते हुए कहते हैं, देवी जी का तो है ही है, बस हमारे जरिए भगवान को वापस जा रहा है। ये कहकर सदानंद जाकर पैसे दान पेटी में डालता है और वहां से चला जाता है। रात को चांद अपने पूरे उफान पर था।
तभी मंदिर की ओर बढ़ती एक परछाई दिखाई दी। एक आदमी मंदिर के चबूतरे पर चढ़ा और उसने सीधे चाबी से मंदिर की दान पेटी खोली, उसमें से सारे पैसे निकालकर अपनी झोली में डाल दिए। जब वो हाथ जोड़कर भगवान के मूर्ति के सामने खड़ा हुआ, तब मूर्ति के बगल में जल रहे दिए में उस आदमी का चेहरा दिखाई दिया। ये गंगाधर था, जो कि मंदिर के दान पेटी से 10-12 नोटों के बंडल निकाल रहा था। ऐसे ही दिन कटने लगे कि तभी गांव में चेचक का रोग फैला। लोग मानो कीड़े मकोड़ों की तरह मरने लगे। बढ़ती बीमारी से लोग काफी परेशान हो रहे थे। सरपंच जी गंगाधर से मिलने मंदिर में आए। उन्होंने बड़ी चिंता भरे स्वर में गंगाधर से पूछा, पुजारी जी, गांव में फैल रही बीमारी तो आप देख ही रहे हैं, सारे डॉक्टर ही इलाज नाकाम हो रहे हैं, और अब तो बस भगवान की ही आस है। क्या करना चाहिए जल्दी बताइए, इस बीमारी से गांव को छुड़ाओ। गंगाधर ने अपने पंचांग में देखा और देखकर उनके चेहरे पर काफी चिंता दिखाई देने लगी। गंगाधर ने गंभीर होते हुए कहा, सरपंच जी, बात यह है कि गांव में बढ़ रहे पापों की वजह से भगवान गांव पर नाराज है, और इसी वजह से गांव में यह बीमारी फैल रही है। सरपंच ने हताश होकर पूछा, तो पुजारी जी आप ही बताइए अब क्या किया जाए। गंगाधर ने कहा, सरपंच जी, अब तो बस एक ही उपाय है कि भगवान को चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा। ऐसा करने से ही भगवान खुश होंगे और उनकी कृपा गांव पर सदा बनी रहेगी। ऐसा करने से ही ये बीमारी रुक सकती है सरपंच जी। फिर क्या था, गंगाधर के कहने पर मानो भगवान के मंदिर में चावल, गेहूं, पैसे, सोना, चांदी, गांव का गरीब से गरीब आदमी भी अपने माली हैसियत के हिसाब से मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने लगा। किसे फायदा हो या ना हो, पर गंगाधर खूब पैसा कमा रहा था। मंदिर में दिए चढ़ावे को वो अपने घर में भरता था। पूरे गांव पर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था और गंगाधर की पांचों उंगलियां घी में थी। तभी एक दिन सरपंच की बीवी रेवती रोते हुए गंगाधर के पास आई। पुजारी जी, बचा लीजिए पुजारी जी। गंगाधर ने बाहर आते हुए कहा, क्या हुआ रेवती भाभी, इतना क्यों रो रही है आप? रेवती ने खुद को संभालते हुए कहा, पुजारी जी, सरपंच जी भी देवी के बीमारी के चपेट में आ गए हैं। हमने इतने सारे चढ़ावे चढ़ाए हैं आपके कहने पर, फिर भी भगवान हमसे नाराज कैसे हो सकते हैं? कुछ करिए पुजारी जी, कुछ करिए, जल्दी कीजिए। गंगाधर गंभीर हो गया। उसने अपने पंचांग से कुछ हिसाब लगाया और चिल्लाते हुए कहने लगा, हे भगवान, क्यों, आखिर क्यों? गंगाधर ने रेवती की ओर देखते हुए कहा, सरपंच जी ने भले ही इस जन्म में काफी पुण्य किए हो, काफी दान धर्म किया हो, लेकिन पिछले जन्म में उन्होंने काफी पाप किए हैं। उसका नतीजा है कि भगवान के प्रकोप से वो बचे नहीं है। रेवती ने हाथ जोड़ते हुए पूछा, तो अब क्या करना चाहिए पुजारी जी? डरो नहीं, हमें भगवान की शांति के लिए एक हवन करना पड़ेगा, जिसका खर्चा लगभग 2 लाख रुपए है। ठीक है पुजारी जी, मैं सब खर्चा करने के लिए तैयार हूँ, आप बस सरपंच जी को कुछ भी करके ठीक कर दीजिए गुरु जी। 2 दिन के बाद आज मुझे क्या हो गया, शरीर इतना क्यों टूट रहा है? गंगाधर ने बिस्तर से उठने की कोशिश की, लेकिन वो बिस्तर से उठते ही नीचे धड़ाम से गिर गया। आ,
गंगाधर को होश दूसरे दिन ही आया। वो अपने कमरे में रखे बिस्तर से उठा तो उसे प्यास लगी थी। उसने उठकर पानी पिया और मटके के ऊपर लगे आईने में अपने आप को देखा तो हक्का बक्का रह गया। गंगाधर के चेहरे पर 2-3 चेचक के दाने उभरने लगे थे। यकायक उसके मुंह से आवाज निकली, हे भगवान मेरी रक्षा कर। तभी उसी गांव में बाबा और सरवरी आते हैं। जैसे ही वो गांव के अंदर प्रवेश करते हैं, जोरों से आंधी गरजने लगती है और जोरों से हवा बहने लगती है। मैं इस इशारे को जानता हूं, ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। क्या हुआ बाबा जी? बाबा जी और सरवरी आसमान की ओर देखते हैं। हेलो दोस्तों, अब स्कल टेल्स की कहानियां आप स्पॉटिफाई पर भी सुन सकते हैं। हर थर्सडे एक नई कहानी। नीचे आपको स्पॉटिफाई की लिंक दी गई है, आप हमें जरूर फॉलो कीजिए।